दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे फिल्म क्षत्रिय से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स और इसके बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बारे में, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पूरा देखते रहिए। फिल्म क्षत्रिय एक वॉर एक्शन ड्रामा फिल्म थी। इसको रिलीज किया गया था 26 मार्च 1993 को और इस फिल्म में हमें एक बहुत ही लंबी चौड़ी स्टार कास्ट दिखाई दी थी, जैसे कि सुनील दत्त, धर्मेंद्र, विनोद खन्ना, सनी देओल, संजय दत्त, मीनाक्षी सेसादरी, रवीना टंडन, दिव्या भारती, कबीर बेदी, प्रेम चोपड़ा और पुनीत इस्सर। इस फिल्म को लिखा था जेपी दत्ता और उनके पिता ओपी दत्ता ने। ओपी दत्ता बॉलीवुड के एक जाने माने डायरेक्टर और स्टोरी राइटर रहे हैं और ओपी दत्ता ने ही अपने बेटे जेपी दत्ता की मैक्सिमम मूवीज की स्टोरी लिखी है। फिल्म क्षत्रिय को डायरेक्ट किया था जेपी दत्ता ने। इस फिल्म में म्यूजिक दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और टोटल 9 गाने इस फिल्म में रखे गए थे। फिल्म के ज्यादातर गाने कविता कृष्ण मूर्ति, मोहम्मद अजीज, अलका याग्निक और लता मंगेशकर ने गाए थे। फिल्म के गाने अच्छे थे और लोगों के द्वारा उस टाइम पर पसंद भी किए गए थे। फिल्म के कुछ पॉपुलर गानों में से गाने थे मैं खींची चली आई, दिल ना किसी का जाए, छम छम बरसो पानी, सपने में सखी और तूने किया था वादा। इन सारे गानों को लोगों ने पसंद किया था। अब बात करते हैं इस फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो काफ़ी सर्च करने के बाद भी मुझे इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की डिटेल नहीं मिल पाई है। किसी भी विश्वास पात्र साइट पर इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कोई भी डिटेल मेंशन नहीं की गई है, तो यहाँ पे मैं आपको इसके बारे में कोई भी गलत जानकारी नहीं दूंगा। लेकिन फिर भी इसका एक अप्रोक्सीमेट बजट मैं आपको बता देता हूँ। इसका बजट लगभग 3 करोड़ से 3.5 करोड़ रुपए के आसपास रखा गया था और इस फिल्म ने इंडिया और वर्ल्ड वाइड मिला के लगभग 4 से 4.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था और ये एक एवरेज फिल्म साबित हुई थी। और 3 घंटे 7 मिनट की इस फिल्म को 5.9 out of 10 IMDb रेटिंग मिली हुई है। तो अब बात करते हैं इस फिल्म से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट नंबर 1, जेपी दत्ता पहले इस फिल्म का नाम वॉरियर रखने वाले थे लेकिन बाद में इसका नाम बदल के क्षत्रिय कर दिया गया था। और जैसा कि जेपी दत्ता बॉलीवुड में मल्टी स्टारर मूवीज़ बनाने के लिए जाने जाते हैं, इस फिल्म में भी उन्होंने बहुत सारे स्टार्स को एक साथ कास्ट किया था। और ख़ास बात यह है कि इस फिल्म में रियल लाइफ फादर और सन को उन्होंने कास्ट किया था, जैसे धर्मेंद्र और उनके बेटे सनी देओल, सुनील दत्त और उनके बेटे संजय दत्त। और इस फिल्म में इन सब ने रियल लाइफ फादर और सन का कैरेक्टर ही प्ले किया था। हालांकि धर्मेंद्र और सनी देओल इसके पहले सन 1986 में आई फिल्म सल्तनत में भी एक साथ नजर आए थे और आगे भी उन्होंने साथ में बहुत सारी मूवीज में एक साथ काम किया है। और सुनील दत्त ने संजय दत्त की डेब्यू मूवी रॉकी में एक कैमियो रोल प्ले किया था, जिसको खुद सुनील दत्त ने ही डायरेक्ट किया था। और इसके बाद वो हमें मुन्ना भाई MBBS मूवी में भी एक साथ दिखाई दिए थे। हालांकि फिल्म क्षत्रिय में सुनील दत्त और संजय दत्त का एक भी सीन साथ में नहीं था और फिल्म क्षत्रिय सनी देओल और संजय दत्त की अभी तक की साथ में आई आखिरी मूवी है। हालांकि इसके पहले वो हमें सन 1990 में आई फिल्म क्रोध में एक साथ दिखाई दिए थे और उसके बाद सन 1991 में आई फिल्म योद्धा में भी एक साथ दिखाई दिए थे। फैक्ट नंबर 2, इस फिल्म की शूटिंग के दौरान एक इंसिडेंट हुआ था जब जेपी दत्ता इस फिल्म की शूटिंग राजस्थान के बीकानेर के पास में कर रहे थे और फिल्म के एक सीन की शूटिंग बीकानेर के एक किले में बहुत सारी पब्लिक के बीच की जा रही थी। उसी टाइम पर फिल्म की शूटिंग लोकेशन के पास में ही एक प्राइवेट प्लेन आकर लैंड हो जाता है और उस प्लेन में से 4 बॉडी बिल्डर टाइप के लोग निकलते हैं और आके जेपी दत्ता के सामने खड़े हो जाते हैं। जेपी दत्ता उनसे पूछते हैं कि उनकी प्रॉब्लम क्या है। वो जेपी दत्ता से बोलते हैं कि उन्हें फरोज खान साहब ने बेंगलोर से भेजा है जहाँ पर वो अपनी फिल्म यलगार की शूटिंग कर रहे हैं और फरोज खान साहब ने कैसे भी करके संजय दत्त को तुरंत बेंगलोर लाने के लिए बोला है। जेपी दत्ता को उनकी इस बात पर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने बोला कि फरोज खान या कोई भी खान संजय दत्त को यहाँ से वापस नहीं ले जा सकता है क्योंकि संजय दत्त की सारी ऑफिशियल डेट मेरे पास रिजर्व हैं। उन लोगों ने जेपी दत्ता से बोला कि वो शायद फरोज खान साहब की पावर नहीं जानते हैं और संजय दत्त को ले जाने से मना करने के बाद वो किसी सीरियस प्रॉब्लम में भी फंस सकते हैं। इसके बाद जेपी दत्ता वहाँ से वापस चले गए और संजय दत्त केवल उन लोगों को देखे जा रहे थे, उनकी कोई मदद नहीं कर सकते थे। फैक्ट नंबर 3, फिल्म क्षत्रिय के रिलीज के पहले और रिलीज के बाद काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज हुई थी। जैसे इस फिल्म की शूटिंग लगभग स्टार्ट हुई थी अक्टूबर 1991 से और लगभग अक्टूबर 1992 तक इस फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो गई थी और इस फिल्म को नवंबर 1992 में रिलीज किया जाना था। लेकिन उस टाइम पर मुंबई में बाबरी मस्जिद को लेकर हुए कम्युनल राइट्स की वजह से किसी भी बड़े प्रोड्यूसर ने अपनी फिल्म नवंबर 1992 से लेके अप्रैल 1993 तक रिलीज नहीं की थी। और उस टाइम की सारी बड़ी फिल्में जैसे क्षत्रिय, दामनी, परंपरा और लुटेरे, ये सारी मूवीज अप्रैल 1993 के बाद ही रिलीज हुई थी। और इतना डिले होने के बाद जब फिल्म रिलीज हुई तो रिलीज होने के 2 हफ्ते बाद ही इस फिल्म को फिर से बैन कर दिया गया था क्योंकि उस टाइम पर संजय दत्त को सन 1993 में हुए बॉम्ब ब्लास्ट के केस में अरेस्ट किया गया था
इसके अलावा फिल्म में दिखाए गए जानवरों के बलि वाले सीन को लेके भी काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। कई जगह पर लोगों ने फिल्म से जानवरों की बलि वाले सीन हटाने के लिए धरना प्रदर्शन किया था। फैक्ट नंबर 4, फिल्म डायरेक्टर जेपी दत्ता ने बताया कि वो फिल्म छत्री की शूटिंग के दौरान खुश नहीं थे और स्टार्टिंग में वो इस फिल्म की शूटिंग राजस्थान में नहीं करने वाले थे, क्योंकि इसके पहले वो अपनी 2 मूवी की शूटिंग ऑलरेडी राजस्थान में कर चुके थे। सन 1985 में आई फिल्म गुलामी और सन 1989 में आई फिल्म बंटवारा की, लेकिन बाद में फिल्म के प्रोड्यूसर के द्वारा ज़्यादा फोर्स किए जाने पर वो राजस्थान में इस फिल्म की शूटिंग करने के लिए तैयार हुए। जेपी दत्ता ने बोला कि जब तक हमें खुद को किसी चीज़ पर भरोसा नहीं होगा तब तक वो चीज़ हमारे लिए काम नहीं करेगी। और फिल्म क्षत्रिय से पूरी तरह से सेटिस्फाई ना होते हुए भी उन्होंने ये फिल्म बनाई, क्योंकि उनकी कुछ पिछली फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा कलेक्शन नहीं कर पाई थीं और उन्हें लगा कि फिल्म क्षत्रिय बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर पाएगी, लेकिन फिल्म क्षत्रिय भी बॉक्स ऑफिस पर एक एवरेज फिल्म साबित हुई थी। बाद में उन्होंने बोला कि अच्छा ही हुआ ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, क्योंकि अगर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म करती तो वो फिल्म छत्री 2 और छत्री 3 बनाने के लिए भी मजबूर हो जाते, जो वो बिल्कुल नहीं चाहते थे। उनकी सन 1989 में आई पिछली फिल्म हथियार बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा कलेक्शन नहीं कर पाई थी, लेकिन इस फिल्म को क्रिटिक्स ने बहुत ज़्यादा सराहा था और ये फिल्म जेपी दत्ता की वन ऑफ द बेस्ट मूवीज में से एक है। जेपी दत्ता ने बोला कि ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किसी फिल्म से आप पैसा कमाना चाहते हैं या अपने लिए रिस्पेक्ट अर्न करना चाहते हैं। और जेपी दत्ता ने डिसाइड किया कि वो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की रेस में आगे नहीं भागेंगे, केवल वही मूवी बनाएंगे जो उनके लिए रिस्पेक्ट अर्न करके दे। और आगे जेपी दत्ता ने कुछ ऐसा ही किया। उनकी फिल्में तो बहुत कम रिलीज हुई, लेकिन जितनी भी फिल्में उनकी रिलीज हुई वो बहुत ही यूनिक थी और आज भी याद की जाती हैं। फैक्ट नंबर 5, ये फिल्म दिव्या भारती की जिंदा रहते हुए रिलीज हुई आखिरी फिल्म थी। फिल्म क्षत्रिय रिलीज हुई थी 26 मार्च 1993 को और इसके लगभग 10 दिन बाद ही 5 अप्रैल सन 1993 को दिव्या भारती की डेथ हो गई थी। हालांकि दिव्या भारती की डेथ के बाद भी उनकी कुछ मूवीज़ रिलीज हुई थी, जैसे कि रंग, आदमी और शतरंज। फैक्ट नंबर 6, इस फिल्म में मीनाक्षी सेसाद्री के रोल के लिए जेपी दत्ता सबसे पहले रेखा को साइन करना चाहते थे, लेकिन उस टाइम पर रेखा अपनी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से इस फिल्म के लिए डेट नहीं दे पा रही थी। जेपी दत्ता विनोद खन्ना के रोल के लिए अमिताभ बच्चन को कास्ट करना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। साथ ही साथ फिल्म में पहले मनीषा कोइराला को भी साइन किया गया था, लेकिन बाद में उनको दिव्या भारती से रिप्लेस कर दिया गया था। जेबा बख्तियार को भी फिल्म में एक रोल दिया गया था, लेकिन बाद में उनके रोल को डॉली मिन्हास से रिप्लेस कर दिया गया था। फैक्ट नंबर 7, इस फिल्म के एक रोल के लिए टिस्का चोपड़ा भी स्क्रीन टेस्ट देने के लिए गई थीं और वहां पे उन्हें पता चला कि फिल्म में उनके अपोजिट मेल कैरेक्टर का रोल अभी खाली है, तो उन्होंने जेपी दत्ता को अपने साथ काम कर रहे एक मॉडल सलीम फतेही को रिकमेंड किया और सलीम फतेही ने इसके लिए ऑडिशन दिया और जेपी दत्ता को ये बहुत ज़्यादा पसंद आया और जेपी दत्ता ने तुरंत उनको इस रोल के लिए फाइनल कर लिया। लेकिन जेपी दत्ता को टिस्का चोपड़ा का स्क्रीन टेस्ट पसंद नहीं आया था और उन्हें इस फिल्म से बाहर कर दिया गया था। फैक्ट नंबर 8, फिल्म छत्री के लिए मीनाक्षी सेसाद्री ने अपनी आवाज़ में 2 गाने रिकॉर्ड किए थे, लेकिन जेपी दत्ता ने उनके इन गानों में से केवल 2 लाइंस को यूज किया था और इन गानों को फिल्म के ऑडियो कैसेट में भी इंक्लूड नहीं किया गया था। और ये फिल्म मीनाक्षी सेसाद्री और विनोद खन्ना की एक साथ आई 6वीं फिल्म थी। तो दोस्तों, ये तो बात हुई मल्टी स्टारर फिल्म छत्री से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। आपको ये फिल्म कैसी लगी थी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और जेपी दत्ता की अगली कौन सी मूवी के बारे में आप अननोन फैक्ट्स जानना चाहते हैं हमें कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए। और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती हो तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। आपके लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है आगे आपके लिए और अच्छे वीडियो बनाने के लिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले नए वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई मूवी से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स और ऐसी ही रोचक बातों के साथ।